वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताते चलूं कि अगर आप लोग इन पांचों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो इन पांचों वीडियोस के लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं। इन पांचों स्मार्टफोन के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस की हुई हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रेहान और गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। यस गाइस, मैं उन स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट से इजीली 20,000 की प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। गाइस, अगर आप लोगों का बजट 20,000 रुपए है, आप लोग एक ऐसा स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं जिसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो, कैमरा की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो, इसके अलावा बैटरी बैकअप काफी अच्छा हो और डिस्प्ले भी ठीक ठाक हो और लुक वाइज दिखने में भी ठीक ठाक हो, सो आज की इस वीडियो में मैंने 5 स्मार्टफोन इस लिस्ट में रखे हैं जो कि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे, जिनमें से 4 स्मार्टफोन तो आपको सुपर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे और एक स्मार्टफोन जो है वो मैंने सैमसंग यूजर्स के लिए रखा है। काफी ज्यादा भाई जो है वो पूछते हैं कि भाई सैमसंग का स्मार्टफोन बताओ 20,000 से 25,000 की रेंज में, सो उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर एक फोन मौजूद है। अगर आप लोग सैमसंग के लवर हैं तो तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग ब्रांड वैल्यू को नहीं देखते, आप लोगों को एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसके स्पेक्स अच्छे हों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और हां गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन गाइस, अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ऑल करो ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके, तो गाइस बात को स्टार्ट करता हूं सैमसंग का स्मार्टफोन में से। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो सैमसंग का यूजर है और वो ये चाहता है कि भाई मुझे सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए, वो भी बजट के अंदर, मेरा बजट 20,000 रुपए है, सो ये वाला सैमसंग का स्मार्टफोन उस भाई के लिए ही होने वाला है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग गैलेक्सी A03s। अब इस स्मार्टफोन को रिसेंटली ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी A52s के साथ ही लॉन्च किया गया है। ये स्मार्टफोन बजट के लिहाज से ठीक ठाक होने वाला है सिर्फ सैमसंग यूजर के लिए। खैर, हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि भाई इस स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। सो यहां पर 6.5 इंचेस के HD डिस्प्ले दिया जाएगा, IPS का पैनल होगा, इसके अलावा डिस्प्ले में नोच दी जाएगी और नोच के अंदर 5 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, बाकी 2 सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो यहां पर मीरेटेक हीलियो G35 का चिपसेट देखने को मिलेगा। 3/32 का यहां पर आपको वेरिएंट प्रोवाइड किया जाएगा, 5000mAh की बड़ी बैटरी होगी जिसके साथ 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा और साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करूं तो इस स्मार्टफोन की ऑफलाइन मार्केट में इनवाइस प्राइस 21,499 रुपए है, यानी कि 21,500 रुपए है। आफ्टर डिस्काउंट ये स्मार्टफोन आप लोगों को इजीली ऑफलाइन मार्केट से 20,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग सैमसंग के यूजर हैं तो आप लोग इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सैमसंग का यूजर नहीं है तो फिर आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन को कंसीडर करें। इसके अलावा लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो टेक्नो की तरफ से है, टेक्नो स्पार्क 7। अब ये टेक्नो स्पार्क 7 प्रो नहीं है, ये सिंपल वाला टेक्नो स्पार्क 7 है। सो इस स्मार्टफोन को भी पाकिस्तानी मार्केट में 5 से 6 महीने पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन आज भी ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में कि भाई ये स्मार्टफोन हमें क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है 20,000 की प्राइस में। सो यहां पर 6.52 इंचेस के एक HD डिस्प्ले दिया जाएगा, IPS का पैनल होगा, इसके अलावा स्मार्टफोन के डिस्प्ले में भी नोच दी जाएगी और नोच के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्टफोन की बैक पर 16 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरास भी दिए जाएंगे। चिपसेट की बात करूं तो यहां पर मीरेटेक हीलियो G70 देखने को मिलेगा जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी अच्छा चिपसेट है। और अगर मैं रैम वेरिएंट की बात करूं तो 4/64 का वेरिएंट प्रोवाइड किया जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो रियर माउंटेड देखने को मिलेगा, 6000mAh की बड़ी बैटरी होगी जिसके साथ किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो ये है इस स्मार्टफोन की कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। प्राइसिंग की बात करूं तो स्मार्टफोन की पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में इनवाइस प्राइस 20,000 रुपए है, आफ्टर डिस्काउंट ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट से 18,500 या फिर 18,000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप लोग एक बजट के अंदर लेना चाहते हैं, आपका बजट 20,000 से कम है, तो आप लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन एक सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है आज के टाइम पर भी। सो डेफिनेटली आप लोग इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग 2 से 3 हजार रुपए मजीद स्पेंड कर सकते हैं, इससे अगला जो स्मार्टफोन है यानी कि जो लिस्ट में तीसरा स्मार्टफोन है वो इससे भी अच्छा है, जो कि टेक्नो की तरफ से ही आता है, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। अब ये स्मार्टफोन भी पाकिस्तान की मार्केट में 4 से 5 महीने पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक चीज काफी अच्छी मिलती है, वो है जिस स्मार्टफोन का 90Hz का रिफ्रेश रेट, और 90Hz का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन का हाईलाइट फीचर है, यानी कि अंडर 20,000 रुपीज के अंदर आपको ये स्मार्टफोन 90Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी।
लगी तो आप लोग टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में कि भाई टेक्नो स्पार्क 7 प्रो हमें क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है। सो इस स्मार्टफोन के अंदर 6.6 इंचज के एच डी डिस्प्ले दिया जाएगा, आईपीएस का पैनल होगा, साथ ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में पंच होल दिया जाएगा और पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। बैक की बात करो तो बैक पर 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास दिए जाएंगे। G80 का यहां पर आपको चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है। रैम वेरिएंट की बात करो तो 4/64 का वेरिएंट दिया जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो रियर माउंटेड देखने को मिलेगा। 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी है जिसके साथ किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो ये है स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में 21,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था लेकिन अब यह स्मार्टफोन आपको 22,700 का इनवॉइस प्राइस के साथ देखने को मिलता है। डिस्काउंट के साथ ये आपको 20,300-20,500 में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आप लोग थोड़ी बहुत और बारगेनिंग करेंगे तो ये आपको 20,000 का भी मिल सकता है। तो 20,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन भी वैल्यू फॉर मनी है, आप लोग इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों लिस्ट में चौथे नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो रियलमी की तरफ से है, रियलमी C25S। अब मुझे रियलमी वालों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि रियलमी कंपनी रियलमी C25S को पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में इतना सस्ता लॉन्च करेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई रियलमी वाले C25S को पाकिस्तान की मार्केट में कुछ 27,000 या फिर 30,000 की प्राइस में लॉन्च करेंगे, लेकिन इस बार रियलमी वालों ने कमाल कर दिया। रियलमी C25S को पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ 23,000 की प्राइस में लॉन्च किया है। अब 23,000 प्राइस अब हुई है, पहले इसकी कम प्राइस थी, 22,000 थी, पता नहीं इतनी थी प्राइस, तो खैर मुझे कंफर्म नहीं है कितनी प्राइस थी, लेकिन अब जो स्टिल कंफर्म प्राइस है वो 23,000 रुपए है जो कि इनवॉइस प्राइस है। डिस्काउंट के साथ ये स्मार्टफोन आपको इजीली 20,500 या फिर 21,000 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप लोग बारगेनिंग करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 20,000 का भी मिल सकता है, ये आप लोगों की बारगेनिंग पे डिपेंड करता है। सो यहां पर 6.5 इंचेस के एक एचडी डिस्प्ले दिया जाएगा, आईपीएस का पैनल होगा। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में भी नोच दी जाएगी और नोच के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। बैक की बात करो तो बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, बाकी दो सेंसर का आप लोगों को पता है। चिपसेट की बात करो तो चिपसेट यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल लगाया गया है। यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट मीरेडक हीलियो G85 जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है, लेकिन ये वाला चिपसेट गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। रैम वेरिएंट की बात करो तो इस स्मार्टफोन में एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि होगा 4GB रैम और 64GB की रोम के साथ, यानी कि 23,000 की इनवॉइस प्राइस के साथ यहां पर आपको 4/64 वाला वेरिएंट ही प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी है जिसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग यहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो 23,000 तो इस स्मार्टफोन की इनवॉइस प्राइस है, आफ्टर डिस्काउंट यह स्मार्टफोन आप लोगों को इजीली 20,500 या फिर 21,000 का मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग बार्गेनिंग करते हैं तो हो सकता है कि ये स्मार्टफोन आपको 20,000 रुपए का भी मिल जाए। दोस्तों लिस्ट के लास्ट नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो इन्फिनिक्स की तरफ से है, इन्फिनिक्स होट 10। अब इन्फिनिक्स होट 10 को पाकिस्तान की मार्केट में आज से एक साल पहले लॉन्च किया गया था। एक साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, लाइक 2 लाख से प्लस व्यूज आए हैं उसके ऊपर। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। खैर ये स्मार्टफोन आज भी आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइट स्पेक्स के बारे में कि भाई इन्फिनिक्स होट 10 हमें क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है 20,000 की प्राइस में। सो यहां पर 6.8 इंचेस के एचडी डिस्प्ले दिया जाता है, आईपीएस का पैनल होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन के डिस्प्ले में पंच होल दिया जाएगा और पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। बैक की बात करो तो बैक पर 16 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरास दिए जाएंगे, यानी कि मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का होगा, बाकी 3 सेंसर जो है वो आपको एमई सेंसर दिए गए हैं यानी कि नंबरिंग बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो स्मार्टफोन के अंदर मीरेडक हीलियो G70 देखने को मिलेगा, 4/64 का वेरिएंट देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो रियर माउंटेड देखने को मिलेगा, 5200 एमएएच की बड़ी बैटरी है जिसके साथ किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। खैर ये है स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। प्राइसिंग की बात करूं तो स्मार्टफोन की ऑफलाइन मार्केट में जो इनवॉइस प्राइस है वो 21,000 रुपए है, आफ्टर डिस्काउंट ये स्मार्टफोन आप लोगों को इजीली 19,000 या फिर 19,500 का देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों के पास यानी कि जिन शॉपकीपर्स के पास स्टॉक बहुत ज्यादा तादाद में है शायद उनके पास आप लोगों को यह स्मार्टफोन नया मिल जाए। मे भी हो सकता है कि भाई ये ऑफलाइन मार्केट से आप लोगों को अभी के टाइम भी न्यू में देखने को मिल जाए, वरना ये यूज के अंदर आपको देखने को
मिलेगा और यूज़ के अंदर ये स्मार्टफोन आप लोगों को 15,000 या 16,000 रुपए का अच्छी कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग न्यू में लेना चाहते हैं तो हो सकता है कई शॉपकीपर होते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं और उन्होंने छुपाए होते हैं, तो आप लोगों को उनसे ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। खैर, ये वो 5 स्मार्टफोन थे जो आप लोगों को अभी के टाइम में वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इन 5 स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो सैमसंग का स्मार्टफोन है वो सिर्फ सैमसंग यूजर्स के लिए है, मतलब कि आप लोग चारों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस, ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग ये लाजमी से बताइएगा कि आप लोगों को इन 5 स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।